दोस्तों स्पोर्ट्स के मैदान में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो है स्पोर्ट्समैनशिप। दुनिया भर में कहीं भी चले जाइए, खिलाड़ी को हमेशा अम्न का सफीर कहा जाता है। और हाल ही में इसी सफारत के अंदर, इसी खूबसूरती और मोहब्बत के अंदर एक और वीडियो का इजाफा हुआ है जो कि आसिफ शेख की जानिब से किया गया है। दोस्तों हुआ ये कि जब लीग खेली जा रही थी तो उसके अंदर खिलाड़ी ने चौका मारने की कोशिश में एक शॉट लगाई और शॉट लगाने के बाद भाग कर जब वो रन ले रहा था तो अचानक से बॉलर उसके रस्ते में आ गया और खिलाड़ी जो कि बैट्समैन है वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिर के जब वो वापस अपने जो है वो स्टंप की तरफ जा रहा था, क्रीज की तरफ जा रहा था, तो उससे पहले ही बॉल जो है वो कीपर तक पहुंचा दी गई। लेकिन आसिफ शेख चूंकि जानते थे कि हमारे खिलाड़ी के साथ टक्कर की वजह से ये नीचे गिरा है और ये रन पूरा नहीं ले सका, इसलिए उसने इस खिलाड़ी को आउट नहीं किया बल्कि बॉल को अपने दूसरे साथी खिलाड़ी की तरफ फेंक दिया कि चलो ठीक है तुम आओ और बारी लो। इस तरह के कुछ वाकयात PSL के अंदर भी हुए हैं जिन्होंने हम सबके दिल जीते। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा जब शाहिद आफरीदी की विकेट ली तो विकेट लेने के बाद उन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया बल्कि साथ ही उन्होंने अपना सर झुका दिया और रिस्पेक्ट का अंसर जो है उसे शो करवाया। इसी तरीके से हारिस रऊफ ने जब विकेट ली तो उन्होंने भी अपने सीनियर खिलाड़ी के सामने अपना सर जो है वो झुकाया। और ऐसे ही मोहम्मद हफीज के सामने भी बेपनाह दफा ऐसा हुआ कि खिलाड़ियों ने जब उन्हें आउट किया तो अपना सर झुकाया। तो पता ये चलता है कि जब कभी कोई खिलाड़ी जो है वो अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देता है तो अल्टीमेटली उसे भी रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए आप देखें कि हारिस रऊफ भी इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर हैं, शाहीन शाह आफरीदी जो है उनके बारे में ये कहा जाता है दे कैन नॉट प्ले हिम, यानी वो उसे खेल ही नहीं सकते। वो पहले ओवर में अगर किसी को जाके पकड़ ले तो फिर उसके बाद उसको अपनी जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है उस प्लेयर के लिए। तो ये रिस्पेक्ट के अनासर हैं जो कि खेलों के मैदानों से हमें पता चलते हैं और इसके ऊपर जिन लोगों ने अमल किया है उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। डू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि आप जब अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपके छोटे आपको रिस्पेक्ट देते हैं और इसी तरीके से दुनिया का ये जो सर्कल है ये इतनी खूबसूरती के साथ चलता है। मेरे दोस्तों अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।